शायद मालूम ना होगा कि ये पौधे किस चीज़ के हैं और इन पौधों पे लगी हुई फलियों की रेसिपी कितनी मज़ेदार बनती है, और यहाँ तक कि हो सकता है कि शहर वालों ने ये रेसिपी टेस्ट भी ना की हो। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि इन फलियों की रेसिपी कितनी मज़ेदार होती है। मैं क्लोज से आपको दिखाता हूँ। यहाँ की लोकल ज़बान में इसको गवार बोला जाता है और ये गवार की फलियाँ हैं। अभी जो खातून है वो ये फलियाँ इन पौधों से तोड़ रही हैं, फिर घर जाकर क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसकी रेसिपी बनती है, वो सारा आपके साथ शेयर करते हैं। घर का बहुत बड़ा फैन है और काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। अभी सराई खातून जो है वो सब्ज़ी लेकर जा रही हैं, जो गवारा अभी कुछ देर पहले इन्होंने तोड़ा था, यहाँ की देसी रेसिपी। और वो सामने आप देख सकते हैं हैंड पंप लगा हुआ है, वहाँ से इन्होंने इसको वाश करना है और फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है वो आपके साथ शेयर करते हैं। का सैन बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं, और कमरे ही कमरे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिली रह रही हैं। इस साइड से घर बने हुए हैं कुछ, और कुछ दरमियान में छोटी छोटी दीवारें हैं क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं और दरमियान में इन्होंने छोटी छोटी दीवार लगाई हुई है, उसके बाद फिर और फैमिली स्टार्ट हो जाती है। उनके घर हैं यहाँ पे, ये लोग जो होते हैं प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और घर जो है वो स्पेशली कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं। बच्चे जो हैं वो लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, जब हम डाल दिया जाएगा।
सब्जियां जो है वो डाल दी गई हैं। अभी मज़ीद कितना टाइम दरकार है देखते हैं। फाइनली हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है और अभी इन्होंने आटा गूंदना है, फिर रोटियां लगानी है तंदूर पे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड पंप है और ये पानी वाला घड़ा जो है लेके आए हुए हैं इधर पानी लेने के लिए, और हवा जो है वो तेज़ी से चल रही है जिसकी वजह से पानी का प्रेशर है और पानी जो है सही तरह से घड़े में नहीं जा रहा, ये भी इनको काफ़ी दुश्वारी का सामना है। ग्राउंडिंग में सारा जो है वो सब्ज़ है, चलो चाओ चाओ हम कैमरे बंद करा, कटना नहीं।